मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? रिलैक्सिन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा। शरीर का तापकरण कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? उत्पाद के द्वारा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किस हार्मोन को कहा जाता है? सेरिब्रम को। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित होता है? इंसुलिन के कारण। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंदर। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितने प्रतिशत पाया जाता है? 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सीओकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। पौधे में गैसों के आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, और इसी तरह के जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।